नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका MNP नॉलेज स्कूल में। फ्रेंड्स, अक्सर आप सोचते होंगे कि अगर बच्चा आपका छोटा है तो उसके शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई के लिए ऐसा कौन सा प्लान लिया जाए जिससे कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। वैसे फाइनेंशियल सेक्टर में चाहे पोस्ट ऑफिस हो, LIC हो, बैंक्स हो, तमाम जगह तमाम अलग अलग नाम से प्लान्स मौजूद हैं, लेकिन एक प्लान जो LIC का जीवन लक्ष्य है वो मेरे हिसाब से अगर परफेक्ट ना कहें तो नियर टू परफेक्ट ज़रूर है। इस प्लान में कुछ ऐसे अद्भुत फ़ायदे हैं, इस प्लान के कुछ ऐसे अद्भुत फीचर्स हैं जो अगर आप जानेंगे तो ज़रूर आप इस प्लान के बारे में सोचेंगे। क्या है इसके अद्भुत फ़ायदे, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ क्यों जीवन लक्ष्य को कन्यादान योजना या एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है, ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी हम अपने चैनल पर नया वीडियो लेकर आएँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। जीवन लक्ष्य जिसका प्लान नंबर 833 है, LIC का काफ़ी शानदार प्लान है, इसमें अच्छा रिटर्न भी है, इसका बोनस रेट काफ़ी अच्छा है, साथ ही साथ जो रिस्क कवर का पोर्शन है वो भी काफ़ी शानदार है। इसमें कुछ ऐसे अद्भुत फायदे हैं जिसको जब आप जानेंगे तो ज़रूर आपको हैरानी भी होगी। आइए एक एक करके इसके 5 महत्वपूर्ण बेनिफिट्स देखते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कन्यादान योजना। जी हाँ, जीवन लक्ष्य को ही कन्यादान योजना के नाम से जाना जाता है। इसका आधिकारिक जो नाम है वो जीवन लक्ष्य है, लेकिन कन्यादान का मतलब ये नहीं कि आप अपने बेटों के लिए पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बेटा हो या बेटी, किसी के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें कन्यादान क्यों कहा गया है, कन्यादान इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर बेटी है किसी की, वो अपनी बेटी के लिए ये पॉलिसी लेता है तो मैच्योरिटी का अमाउंट भी ठीक ठाक है, साथ ही साथ पिता के ना रहने पे बच्चे को आगे का जो सारा का सारा प्रीमियम देने की टेंशन नहीं रहेगी, LIC पे करेगी। हर साल LIC खर्चे के लिए कुछ पैसा भी देगी मैच्योरिटी तक, और मैच्योरिटी पे जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो भी देगी। इन सब के अलावा सम एश्योर्ड के बराबर जो अमाउंट होगा वो फादर के ना रहने पे तुरंत बच्चे को और मिल जाएगा। तो इससे कन्यादान से रिलेट इसलिए किया गया है कि ये चार जो बेनिफिट्स आपको बताया, ये चारों बेनिफिट्स आपके संतान को मिल जाएगा जिससे उसके जीवन यापन, उसकी शादी ब्याह आराम से हो जाएगी, यानी कन्यादान हो जाएगा। लेकिन सेम कंडीशन में अगर बेटा भी है तो उसको भी सारे यही बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरा है पॉलिसी टर्म, इसमें 13 से 25 साल है। देखिए, अब आपका बेटा या बेटी, या इवन अगर आप पे डिपेंडेंसी आपकी वाइफ की है, फैमिली मेंबर्स की है, तो उनके मद्देनज़र भी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। 13 साल से लेकर 25 साल का टर्म आप इसमें ले सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, और जो भी आप टर्म लेंगे उससे 3 साल कम प्रीमियम देंगे। 13 साल का टर्म लेंगे तो 10 साल आप प्रीमियम देंगे, 14 का टर्म लेंगे तो 11 साल प्रीमियम देंगे, 20 का टर्म लेंगे तो आप प्रीमियम 17 साल देंगे, और अगर आप 25 का टर्म लेंगे तो प्रीमियम 22 साल देंगे। यानी कि जो भी आप टर्म लेना चाहते हैं उससे 3 साल कम आपको प्रीमियम देना होगा। तीसरा है, अगर पत्नी बच्चे हैं तो आपके लिए ये योजना एक अच्छे ऑप्शन के रूप में उपलब्ध है। जी हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर व्यक्ति के ऊपर होती है। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये वो पॉलिसी है जो आप सभी को लेना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि इसमें मैच्योरिटी तो अच्छा है ही, साथ ही साथ अनफॉर्चुनेटली किसी की अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली को खर्चे के लिए हर साल कुछ पैसा मिलेगा, आगे का सारा प्रीमियम माफ़ हो जाएगा, तुरंत सम एश्योर्ड के बराबर अमाउंट मिल जाएगा, और मैच्योरिटी भी ज्यों का त्यों मिल जाएगी। तो अगर जिम्मेदारी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये प्लान काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इस प्लान में आप टर्म राइडर लेना ना भूलें। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपकी खुद की इनकम है, तो टर्म राइडर जरूर लें इस पॉलिसी में, जो जिस एजेंट से आप ये पॉलिसी करा रहे हैं, या अगर आप खुद एजेंट हैं तो आप अपने जिनको भी ये पॉलिसी आप समझाएंगे या करेंगे उनको आप टर्म राइडर जरूर दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा अतिरिक्त प्रीमियम देने के साथ जो पॉलिसी होल्डर होता है उसके ना रहने पे सम एश्योर्ड के बराबर, यानी जितने का बीमा होता है उतना पैसा तुरंत नॉमिनी को मिल भी जाता है बाकी बेनिफिट्स के अलावा। और पाँचवा ऑप्शन है, देखिए, इसमें 18 से लेके 50 साल तक के लोगों के लिए ये पॉलिसी उपलब्ध है। 18 से 50 साल के बीच का जो एज ग्रुप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एज ग्रुप होता है, क्योंकि इसी एज ग्रुप में व्यक्ति की नौकरी लगती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, जिम्मेदारी बढ़ती है। तो इस एज ग्रुप में कोई भी व्यक्ति अगर है 18 से 50 के बीच में, अपने नाम से ये पॉलिसी ले सकता है,
पत्नी को बच्चे को नॉमिनी बना सकता है और सारा का सारा बेनिफिट मैच्योरिटी पे उसको मिल जाएगा और ना रहने पे फैमिली को हर साल खर्चे के साथ मैच्योरिटी बिना कोई प्रीमियम पेमेंट के मिल जाएगी। तो ये तो था इस प्लान के 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी आप प्रीमियम इस पॉलिसी में देंगे उसमें आपको टैक्स में छूट मिलेगा 80C के थ्रू, और जो भी मैच्योरिटी या डेथ पे जो पैसा मिलेगा वो सारा का सारा पैसा सेक्शन 1010D के तहत आयकर से मुक्त होगा, इनकम टैक्स फ्री होगा। तो फ्रेंड्स, ये था LIC का जीवन लक्ष्य पॉलिसी। इस पॉलिसी में एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूं कि देखिए 13 से लेकर 25 साल का आप टर्म ले सकते हैं, जो भी टर्म लेंगे उससे 3 साल का आप प्रीमियम देंगे। मिनिमम बीमा इसमें 1,00,000 का होगा, मैक्सिमम बीमा का कोई लिमिट नहीं है। 18 साल से लेकर 50 साल तक के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं और इस पॉलिसी में आप टर्म राइडर लेना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।